निफ्टी 50 में टाइटन अपने अपने आप को सबसे ऊपर रखा हुआ है गेनर्स के लिस्ट में, जहां पे टाइटन में अभी हम 2.7% की बढ़त देख रहे हैं। और एक बार क्षितिज टाइटन पे ही आपसे राय जानना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि लगातार 3 से 4 दिनों से मैं देख रही हूँ कि 52 वीक हाई नया टाइटन मारे जा रहा है, और साथ ही ये स्टॉक में जो एक्शन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। धीरे धीरे करके ही सही, पर ये स्टॉक एक अप ट्रेंड अपना कंटिन्यूड रखा है। क्या लगता है आपको कि अब कौन से नए स्तर टाइटन के लिए या कौन से नए टारगेट्स आप टाइटन के लिए देख रहे हैं? बिल्कुल सृष्टि, देखिए अगर टाइटन के हम लोग चार्ट स्ट्रक्चर पे बात करें तो वीक ऑन वीक बेसिस पे लगातार 5 से 6 हफ्ते से स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनी हुई है। निचले स्तरों पे स्टॉक ने एक सपोर्ट डेवलप किया था 2900 के लगभग, वहां से वन साइडेड रैली लेके स्टॉक यहाँ पे 3300 के लगभग यहाँ पे ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट 3300 के ऊपर निकलता दिखाई दे रहा है। देखिए जिस तरीके के टेक्निकल पैरामीटर्स में यहाँ पे स्टॉक के अंदर मोमेंटम आता दिखाई दिया है, मुझे लगता है मोमेंटम बिल्कुल कैरी करना चाहिए। और जो इनिशियल टारगेट स्टॉक के निकल के आते हैं टेक्निकल चार्ट पे वो है 3450 से 3470 तक के, तो ये जो स्टॉक के अंदर तेजी बनी हुई है बिल्कुल ये कैरी करनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया 100 से 150 रुपए के लगभग यहाँ पे तेजी और दिख रही है चार्ट पे आनी चाहिए, तो जिन लोगों के पास ऑलरेडी स्टॉक के अंदर पोजीशन है वो स्टॉक को होल्ड करके चलिए। निचले स्तरों पे बात करें तो स्टॉक ने अच्छा खासा सपोर्ट डेवलप किया था 3200 के लगभग, वहां पे एक अच्छा मोमेंटम आता दिखाई दिया है, तो पोजिशनली स्टॉक जब तक 3200 रुपए के लेवल्स को होल्ड कर रहा है डाउन साइड में ये मोमेंटम बिल्कुल कैरी करना चाहिए। तो पोजिशनल बेसिस पे सलाह दूंगा 3200 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशन के अंदर बने रहे। अपसाइड में मैंने जैसे बताया 3450 तक के लक्ष्य स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो टाइटन में अभी भी जिन निवेशकों के पास है उसमें बने रहने की सलाह मिल रही है। पर अमोल, एक बार लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स पे आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि देखिए पिछले हफ्ते हमने देखा था, पिछले या फिर उसके पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जो लाइफ इंश्योरेंस का डेटा आया था बीते महीने का, उसमें क्लियर विनर्स HDFC लाइफ और SBI लाइफ थे। हालांकि ICICI प्रूडेंशियल के आंकड़े इतने अच्छे नहीं रहे थे, और उसके बाद हमने शेयर में बिकवाली भी हावी होती हुई देखी। पर HDFC लाइफ लगातार कई दिनों से बस कर रहा है, और SBI लाइफ भी अपना नया 52 वीक हाई छूते हुए नजर आया है। कैसे दिख रहे हैं आपको ये दोनों काउंटर्स? आई थिंक HDFC लाइफ से इनफैक्ट आज सुबह ही हमने रिकमेंड किया था अपने क्लाइंट्स को। बट ओवरऑल अगर हम टेक्सचर देखते हैं तो HDFC लाइफ काफी प्रॉमिसिंग टेक्सचर है। स्टॉक ये क्वार्टर में इतना खास चला नहीं है एक्चुअली जितना एक्सपेक्टेड था, बट लास्ट मंथ के करेक्शन के बाद ये एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन में है और हायर बॉटम फॉर्मेशन में है। सो मैं HDFC लाइफ ज्यादा पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो एक करेक्शन के बाद वापस एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है और स्टॉक एक्टिविटी भी दिखा रहा है पॉजिटिव साइड पे, तो मुझे लगता है कि पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये 685 691, अगर हम थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू देखते हैं तो 700 तक भी जाने के चांसेस HDFC लाइफ में काफी ब्राइट है। ठीक है, तो ये नजरिया HDFC लाइफ पर अमोल जी की तरफ से आता हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे और